ये छोड़ो यार। क्या पहले एक बार देखने तो दो, कंफर्म तो करने दो, है ना। कोई खड़ा है मुकेश जी की कसम, वहाँ कोई है ना। कौन है? रुको रुको रुको, है ना माता जी के लिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द आरजे व्लॉग्स पे, और हाजिर है आपका भाई राधे फिर से एक नई लोकेशन और नई वीडियो के साथ में। काफी टाइम बाद दोस्तों वीडियो आई है, ठीक है। थंबनेल और टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई वापस कहाँ पहुंचा है। काफी भाइयों और बहनों की डिमांड आ रही थी, कंटिन्यू मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे कि भैया आप कहाँ पे बिजी हो, आपकी 10-15 दिन से वीडियो भी नहीं आ रही। तो यार इसकी प्रॉब्लम मैं बता दूं कि कोई फैमिली प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं लोकेशन विजिट नहीं कर पाया और कहीं बाहर जा नहीं सका। फिलहाल आपका भाई पहुंचा है, आप लोगों के कहने पे और इतने कमेंट मैसेज वगैरह देखने के बाद, कि बहुत से भाई तो मेरे ऐसे थे जो रिक्वेस्ट तक करने लग गए कि भैया मैं एड्रेस दो, लेकिन दोस्तों यहाँ का एड्रेस लीगली मैं आपको इस वजह से नहीं दे सकता यार कि कल को अगर कोई बंदा सूर्यास्त के बाद यहाँ आता है, उसके साथ कोई अनहोनी होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा। इस वजह से मैं इस लोकेशन की एग्जैक्ट जगह आपको बता नहीं सकता। बाकी मैंने आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास में एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे ये मंदिर है जंगल के अंदर, दुर्गा माता का मंदिर, और नवरात्रा में ही स्पेशल माता रानी का यहाँ पे चमत्कार देखा गया है। रिएक्ट करके बताऊँ ना दोस्तों, रियलिटी में मैंने खुद यहाँ पे आने के बाद माता रानी के दर्शन करे। अभी तक भी मैं कन्फ्यूजन में हूँ कि यार वो चीज़ वाकई माता रानी है या शायद कोई पाखंडी भी हो सकता है, कोई गांव वालों को डराने के लिए ऐसा भेष धारण करके भी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है जब तक क्लियर ना हो। आप सोच रहे होंगे कि आज राधे भैया आपके साथ में कौन है, तो मैं बता दूं कि यार ये है यहीं के रहने वाले अपने मुकेश जी, ठीक है, इसी गांव के, और इनसे मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी कि यार भैया आप मेरे साथ आज उस लोकेशन पे आप चलोगे, क्योंकि अभी ना तो नवरात्रा चल रहे हैं दोस्तों, आपको पता है मैं आया था आप लोगों के कहने पे। तो एक बार मुकेश जी आप यहाँ की कहानी बता दो, आपने क्या क्या देखा, क्या यहाँ का मामला है, क्या चमत्कार हुए थे, और नवरात्रा में ही क्यों होता है। भैया यहाँ की कहानी ऐसी है कि यहाँ पर मतलब बहुत सालों से देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है कि नवरात्रों के अंदर माता रानी का दर्शन होता है। अच्छा, केवल नवरात्रों में? नवरात्रों में, और उसके अलावा अगर दिन में कोई अगर आ जाता है तो उसके साथ अनहोनी हो जाती है। तो अब ये आज तक कोई दिन में होती है अनहोनी, रात को होती है सूर्यास्त के बाद? सूर्यास्त के बाद में, दिन में इधर कोई आता नहीं है। अच्छा, दिन में कोई आता? दिन में भी नहीं आता, शाम को भी नहीं आता है। और नवरात्रा के टाइम? नवरात्रा के टाइम में केवल दिन में आते हैं, शाम को सूर्यास्त से पहले यहाँ से निकल जाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है कि सूर्यास्त के बाद लोग क्यों नहीं आते? लोग कहते हैं कि जो भी अगर यहाँ पे कोई गया तो उसके साथ कुछ न कुछ गलत हो सकता है, एक दो लोगों के साथ शायद कोई मानसिक बीमारी हुई, क्या हुआ, वो यहीं का मैटर। तो ये यहाँ का अभी तक यहाँ का कोई पता नहीं लगा पाया कि यहाँ ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दो तीन आदमी जो आए थे पहले, तो वो क्या है सूर्यास्त के बाद यहाँ लेट हो गए थे, तो वो यहाँ रुक गए, उसके बाद में क्या हो गया उनके साथ में कुछ अलग सा ही ऐसा होने लग गया उनके शरीर में ऐसा कुछ। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे, आप कितना टाइम हो गया आपको यहाँ के बारे में सुनते हो गाँव? भाई हमारे को तो यहाँ से कम 10 साल हो गए ये चीज सुनते हुए कि भाई यहाँ नवरात्रों में माता रानी। तो आपने कभी देखा है यहाँ? नहीं भैया, हम तो कभी आए नहीं इधर, दर्शन तो हमारे को तो कभी हुए नहीं इधर। जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ना, वीडियो में आपको मैंने दिखाया कि लाल कलर के जोड़े में एक औरत दिखी थी जी। तो आपको क्या लगता है वो माता रानी है या कोई यहाँ ही गाँव की कोई औरत है जो शायद यहाँ के लोगों को डराने के लिए कुछ कर रही हो? भैया ऐसा तो देखो हमने तो कभी सुना नहीं है कि माता रानी यहाँ मतलब किसी को दर्शन दिए। बाकी यहाँ हमारे गांव के आसपास वाले जो भी है वो लोग कहते हैं कि होता है सब कुछ, ऐसा कुछ होता है।
गांव वाले अभी भी कहते हैं मानते हैं, मतलब दोस्तों इनके कहने का मतलब है कि यार गांव वाले आज भी इस चीज को पॉजिटिव ही मानते हैं कि वो कोई माता रानी है। और दोस्तों गांव वालों का कहना भी सही है क्योंकि देखो वो काफी टाइम से यहीं पे इस चीज को देख रहे हैं, सुना भी है, कुछ ना कुछ चमत्कार हुआ ही होगा। और जहां तक मुझे लगता है यार देखो शहरों से ज्यादा गांव वाले जो बुजुर्ग या जो पहले के आदमी है ना उनकी बातों में सच्चाई होती है, फैक्ट होता है। एक अगर मौली का धागा भी अपन बांध रहे हैं, तिलक भी लगा रहे हैं, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा सनातन धर्म से रिलेटेड कोई ना कोई फैक्ट निकलता ही है। शायद इसी वजह से इनकी नवरात्रों में भैया यहाँ भीड़ तो अच्छी सी खासी आ जाती है। अच्छा, क्योंकि एक चीज समझ में नहीं आया यार भैया, इस मंदिर को क्यों नहीं बना रहे, ये जैसा है वैसा का वैसा ही है, इतने लोग आते हैं नवरात्रा में, इतना चमत्कार है, फिर मंदिर का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? भैया यहाँ का कोई मतलब मेन मुख्य आदमी नहीं हो रहा ना तैयार कि भाई इसका जो काम करवा सके इसका, ये वजह क्योंकि यहाँ कोई रेगुलर तो कोई आदमी आता नहीं। वो ये कहने का मतलब नवरात्रा नवरात्रा में ये होता है। जंगली जानवर वगैरह भी है क्या? हाँ भैया जंगली जानवर तो इधर पहले जब आया था ना तब मैंने ये एंजाई वगैरह भी देखी थी। पूरी नाइट थे हम, लगभग रात के 1-1.5 बजे तक यहीं थे। और मुकेश जी उस टाइम हमें कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन लगभग 2 घंटे बाद में अचानक हवा चली थी। अज्जू भाई थे मेरे साथ। यहाँ ऐसे जानवर जो कुत्ते टाइप का नहीं था जिसके मुंह में से चिंगारियाँ वगैरह निकलती, वैसे जानवर वगैरह, हाँ वो तो हमने भी देखे इधर। दोस्तों लास्ट टाइम जब आया था ना यार देखो हम पूरी रात यहीं रुके थे और अचानक नींद आने लग गई थी। मैं लेटा ही था लगभग 1-1.5 घंटे तक, अज्जू भाई को भी नींद आ गई और कैमरा चालू था हमारा। उसके बाद एक अजीब सी आवाज आई थी किसी के दहाड़ने जैसी, अज्जू भाई डर गए थे। भैया देखो मेरे घर वालों ने भी मुझे यहाँ आने के लिए मना किया, मैं केवल आपकी रिक्वेस्ट के कारण यहाँ आया हूँ, लेकिन बाकी मुझे यहाँ से आप जल्दी से जल्दी ले चलना नहीं होगा क्योंकि यहाँ मुझे आपको डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा यहाँ पे होगा नहीं जिससे आपको कुछ रिस्क हो या आपके साथ कुछ गलत हो, ऐसा मैं भी नहीं चाहता। बाय द वे अगर आपको जहाँ पे ऐसे लगे ना कि यार यहाँ से आगे मैं नहीं जाऊँगा या मेरे को यहाँ अब रुकना नहीं, अपन वहीं पे अपना जो भी है बंद करके निकल लेंगे। क्योंकि भैया हम तो देखो यहाँ आए हुए भी नहीं है कभी, केवल हाँ सुना है हमारे घर वालों से गाँव वालों से कि भाई यहाँ ऐसा कुछ है, और अभी क्या है नवरात्रा भी नहीं है तो आगे आओ। तो आप तो कहते हो कि यहाँ शाम को कोई आता ही नहीं है आपको बंद करते हैं अपन, क्योंकि देखो जंगल है, हवा चल रही है, आग लग सकती है। पत्थर वत्थर डाल दो इस पे एक दो, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है अभी मौसम ऐसा ही है, आपको पत्थर डाल दो तो बंद हो जाएगी। दोस्तों यार हैरान कर देने वाली बात है कि यार यहाँ पे आग थोड़ी थोड़ी इस पर मिट्टी डाल देते हैं एक बार, है ना। देखो कोई तो है यहाँ, ये तो कंफर्म है, शायद अपनी लाइट देख के वो भाग गया हो। क्यों मुकेश जी ये भी हो सकता है? आ गया ये भी हो। दोस्तों यार इसके पीछे की वजह तो समझ में नहीं है, मैं एक बार चिंता कर लूँ। वो बंदे हैं तो
दोस्तों अगर किसी ने देखा नहीं है ना भैया जूते उतारो। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये वो मंदिर है दोस्तों, आपने पहले भी देखा होगा। और जिन भाइयों ने दर्शन नहीं करे वो माता रानी के एक बार दर्शन कर लो देखो, क्योंकि मेरा तो विश्वास है मैंने जिनको देखा था वो साथ साथ माता रानी ही थे। आज देखते हैं क्या होता है और अगर माता रानी वाकई में थी। भैया देखो मैं एक ही चीज़ के लिए आपको लेके आया था कि हो सके शायद वो सामने आए और आपको भी दर्शन दे, रिक्वेस्ट करेंगे। ये तो मेरा भाग्य होगा कि आज मैं आपके साथ आया हूँ तो माता रानी के दर्शन मुझे भी। आपके जूते कहाँ खोले? अच्छा मेरे उधर तो मानना है यार जो भी है भैया आपको तोड़ना है। भैया हम तो आज से पहले आए नहीं, हमारे को तो डर लगता है यहाँ से। आपको थोड़ा सा अगर साथ देना है तो किसी नहीं अपना है। मेरे को जहाँ तक लगता है ना यार कि मामला यही है कि यहाँ पे पक्का कोई ना कोई आया था। ऋतिक भाई हाँ भाई, एक बार इस तरफ झाड़ियों में देख लो कैमरा करके लाइट करके, शायद कोई बंदा हो सकता है। मुकेश जी कोई अपने को देख के डर गया हो शायद, एक बार आगे जाके देख लो लाइट करो। अरे देखो भाई अगर कोई यहाँ हो तो आप डरो मत, देखो हम कोई अनजाना आदमी नहीं है, हम केवल माता रानी के दर्शन करने आए हैं यहाँ पे और कोई काम नहीं आए। और इसी गांव के हो तो आप सामने भी आ सकते हो, मुकेश जी हमारे साथ में है। नहीं यार कोई उधर देना, मेरे को देना एक बार कैमरा। मुकेश जी कोई नहीं लग रहा है यहाँ पे, ये तो बंद हो गई। हो सकता है कोई और चीज भी हो। जानवर की आवाज थी है ना मुकेश जी? वो यार ये उधर से आ जा रही है। पकड़ना किधर से? ये उधर से, उधर से सामने की तरफ से। हाँ भैया आना मुकेश जी आगे ना, पत्थर वत्थर रखना जानवर वगैरह इधर इस तरफ से। हाँ भाई देखना कुछ दिखने दिखता है दिखाई देता है कैमरे में चारों तरफ करके। दिखा क्या भाई कुछ? नहीं भाई। यार इधर मंदिर की साइड से आवाज कैसे आ रही है? किस तरफ से? मंदिर की तरफ से। मंदिर की तरफ से? हाँ पीछे। हाँ उधर साइड से आवाज आ रही है। तो इधर करने में बहुत कैमरा पानी है क्या? कुछ दिखाई दे रहा है क्या फोन में? भाई इधर तो, इधर तो मेरे को तो कुछ है तो सही यार, वहाँ शायद पेड़ के पीछे। भाई भाई कुछ चीज़ है तो सही यार, मुकेश जी आप सही कह रहे हो। हाँ भैया आवाज तो आ रही है भैया, दूर हो आप वहाँ से। ये है क्या? पहले एक बार देखने तो दो, कंफर्म तो करने दो। लाल दिख रहा है ना? हाँ भाई। कोई खड़ा है मुकेश जी की कसम, वहाँ कोई है ना? कौन है? मैं जा रहा हूँ भैया। रुको रुको रुको, पकड़ ऋतिक भाई कैमरा पकड़ो फटाफट यार। भैया मैं जा रहा हूँ। अभी लोग भाई मुकेश जी घबराओ मत, घबराओ मत आप। ये क्या चीज़ है यार, ये माता रानी भाई वही कपड़े लग रहे हैं सेम पहले वाले। मुकेश जी मैंने इसी चीज को देखा था, आपको दिखाया भी था ना। माता जी तो नहीं लग रही यार। कौन है वहाँ पे? माता जी तो नहीं लग रही है मुझे। आप यार घबराओ मत, आप घबराओ मैं जा रहा हूँ यार। मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको माता रानी के दर्शन हुए।
मेरी मानो ना, प्रणाम करो, इनको कुछ नहीं होगा। अपने को अगर गलत करना होता ना, अपने साथ कब का ही हो चुका होता। माता रानी अगर आप सच्चे हो तो माता रानी आप देखो, हम यही देखने आए थे और आपको भी पता है कि मैं तीसरी तरफ आया हूँ, शायद इसी वजह से आपने हमें दर्शन दिया है, तो हमें नुकसान मत पहुँचाना। और मुकेश जी अभी भी आप पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। अगर माता रानी आप सच्ची हो तो हमें कोई इशारा दो। ये चलो यार, आप माता रानी नहीं है। देखो माता रानी, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, आप हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे और मैं चाहता हूँ कि आप कंटिन्यू वहीं रहो। मैं चलो यार भैया, इधर आओ, आवाज आ रही है यार भैया, चलो यार भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, प्लीज यार भैया, कैमरा सर करो भाई, प्लीज यार भैया, चलो यार, आपको मेरी कैसे में कुछ नहीं होगा भाई। वो माता रानी मान जाओ यार, आप मेरी बात भी मानो यार भैया, अभी तो नहीं दिख रही भैया यार, वो यहाँ पर माता रानी होती थी भैया। आगे आगे हो यार मुकेश जी, आपको बोला था बाद में, ये कुछ नहीं होता। जस्ट अभी यही तो खड़ी थी भैया, यही पे देखा था भैया, कुछ अनोनी हो जाएगी भैया, वो माता रानी नहीं थी, माता रानी होती तो अभी यही रहती भैया। वो माता रानी है भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूँ मुकेश जी, मैं तो माता रानी, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने आपको देखा, आप कैमरे में रिकॉर्ड हुए, आपने देखा तो था ना मुकेश जी। हाँ दिखी तो थी। आप घबराओ मत, आगे आओ, पहले रो मत, मैं हूँ ना, मैं भी तो यही हूँ ना। देखो माता रानी, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार और हमें कोई तो ऐसा इशारा दोगे हम समझ पाए आप हमारे आसपास, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है आपको। झंडा झंडा देखो माता रानी का कितना तेज चल रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ माता रानी, एक बार मेरी खातिर विश्वास के लिए आपको सामने आना पड़ेगा भैया। आवाज आ रही है इधर यार, इधर कोई जानवर की आवाज आ रही है यार, गुर्राने जैसी आवाज आ रही है भैया। मैं चला जाऊंगा यार, आप मैं जा रहा हूँ यार, आवाज आ रही है यार, रुको तो सही, रुको रुको यार, मैं चला जाऊंगा अकेले यार, मैं चला जाऊंगा यार, अकेले चला जाऊंगा, आप चलो, मैं क्या कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा, आप घबराओ मत, कुछ नहीं होने वाला, विश्वास रखो मेरे पे। माता रानी थी ये, मैं शोर हूँ ठीक है, और आवाज आएगी वो सभी किसी जानवर की होगी, मेरा विश्वास रखो, आपको कुछ नहीं होगा, अभी तक कुछ नहीं होने दिया ना मैंने, घबराओ मत। ये छोड़ो यार, रुको तो सही, चल।